बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और मैं चुनाव हार गई। तो जब मैं 5 साल कंटिन्यू लोगों के बीच में जाके मेहनत कर सकती हूँ, तो मैं पूरे दिन क्यों नहीं लोगों के बीच में आके सुख दुख बांटूं? मैं पूरे दिन का मैं पढ़े ली हूँ, मैं वादा ली हूँ कि मैं जब घर से निकली ही हूँ, जैसे हमारी जो बहनें हैं आई हुई हैं, तो घर से निकल के यहाँ तक आई हैं ना मेरी बातों को सुनने और मुझे जानने पहचानने। तो मैं जब 9 में घर से निकली तो वो परिस्थिति थी, आपके साहब को परमिशन नहीं मिला इलेक्शन लड़ने का, तो एक परिस्थिति बनी थी जो मैं उस वक्त किसी से सामने रूबरू नहीं थी। मैं एक डमी कैंडिडेट के नाते सिवान में थी, लेकिन आपके डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब कंटिन्यू सभी को आगे किए हुए थे और जिनके कंधे पे वो चुनाव का भार उन्होंने दिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो हमारे साथ नहीं थे, तो हम लोग चुनाव लूज कर गए। इससे पहले भी 2004 की जब चुनाव हुई थी तो साहब ही चुनाव लड़े थे, लेकिन जेल से वो जीत गए। और हमारी जब बारी आई, जब तो साहब को यहाँ से हटा दिया गया और हम लोग जिनके कंधों पर चुनाव था उन लोगों ने कहीं और चुनाव लड़ा और हम लोग हार गए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, हम लोग बहुत उतार चढ़ाव दुनिया में देखा है। आप भी लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे ऊंच नीच परिस्थिति को, दुख सुख को झेल कर यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज मैं एक कमजोर अगर महिला रहती, मैं शाहबुद्दीन साहब की अहलिया पत्नी नहीं रहती, तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं रहती, क्योंकि इतनी ताकत है वो अदर महिलाओं में नहीं हो पाती है कि वो सारे कुछ परिस्थिति को 20 साल से झेलते हुए और आज यहाँ पर आके सभी हमारे गार्जियन भाई बंधु के बीच में मैं अपनी बात को रख सकूं। मुझे बहुत हौसला मिलता है। हम लोग कभी अकेले नहीं रहे, 15 साल चुनाव हारे या जीते, जिन लोगों ने जीता उनके दरवाजे पे 5 लोग नहीं रहते हैं और हमारे दरवाजे पे अक्सर लोग कंटिन्यू आते हैं दुख सुख बताने के लिए और हमारे जानने के लिए। तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है अपने लोगों से और मुझे ताकत मिलती है। आप सब लोग जब आते हैं तो लगता है कि सबके बीच में साहब हैं और जो वो बीच जो साहब दिखते हैं तो लगता है कि हाँ हम ताकत है हमको, हम लोग कुछ भी सिवान में अपने लिए, अपने हक हकूक के लिए, अपने भाई बंधु के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने नौजवान बच्चों के लिए हम लोग आवाज़ बन सकते हैं। ये काबिलियत हमारे सब में है, तो हम इसीलिए हमने निर्णय लिया कि मैं चुनाव निर्दल लड़ूंगी और सबके बीच में जाऊंगी। सब लोग हमारे भाई बंधु हैं, हमारे परिवार हैं। और मैंने कहा बहुत पहले गराड़ में प्रोग्राम हो रहा था, अचानक से मीडिया बंधु ने सवाल किया कि अब क्या आपका क्या सोच है। हमने कहा अभी हम लोगों ने चुनाव का निर्णय नहीं लिया था, हमने कहा डायरेक्ट कि जितने भी सिवान में हर पार्टी के झंडे हैं, हर रंग जो है वो सब हमारे हैं, क्योंकि सिवान का एक एक भैया जो हमारा भाई है, एक एक गार्जियन हमारा चचा बाबा है, तो हम सब एक हैं। क्यों हम लोग बट कर रहे? इस बार हम लोग सब एक होकर सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग कामयाब जरूर होंगे। बहुत हवाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जब एक बार निर्णय हो गया है, सभी के मन में बैठ गया है कि जो निर्दल है वो दिल से है और दिल जरूर कामयाब होगा। थैंक यू।